हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टेंस एंड वंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी टेंस और वंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। टेंस एंड वंस देखो, ये क्या नंबर है? ये नंबर है 71। हमें टेंस में क्या करना होता है? 10-10 के सेट्स बनाने होते हैं ना। तो हमें 70 तक 10-10 के सेट्स बनाएंगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 कितने सेट्स बने? 7 सेट्स बने। तो 7 हमारा क्या हुआ? 7 हमारा टेंस हुआ। और जो रिमेनिंग 1 है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया वंस। अब हमारा नंबर है देखो क्या है? 72। 72 में हमें देखो कितने सेट्स बनेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 7 सेट्स बने, ठीक है। और रिमेनिंग का जो कितना बचा? रिमेनिंग का बचा 2 बचा। तो 2 हमारा क्या हो गया? 1। और जो 7 सेट्स बने वो हमारा क्या हो गया? 10s, ठीक है। ऐसे ही देखो 73 में 70 तक कितने सेट्स बनते हैं? 7 सेट्स बनते हैं। तो 7 हमारा 10s हुआ और जो रिमेनिंग 3 रहा वो क्या बन गया? वो बन गया 1s। अब नंबर 74 में देखिए, 70 तक 7 सेट्स बनते हैं, तो 7 हमारा 10s हुआ और 4 अब रिमेनिंग है वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा 1s हुआ। उसके बाद है 75। 75 में 70 तक 7 सेट्स बनते हैं, तो 7 हमारा 10s हुआ और 5 जो रिमेनिंग है वो हमारा क्या हो गया? 1s हो गया। उसके बाद है 76। 76 में 70 तक कितने सेट्स है? 7। तो 7 हमारा क्या हुआ? 10s। और रिमेनिंग के जो 6 है वो हमारे कहा हो गया? वो हो गया 1s, ठीक है। उसके बाद है 77। 77 में 70 तक हमारे 7 सेट्स बनते हैं 10-10 के, तो 7 10s एंड रिमेनिंग 7 है वो क्या हो गया? वो हो गया 1s। ऐसे ही 78 में 70 तक 7 सेट्स हैं 10s के, तो 7 सेट्स हो गए, तो हमारा 10s क्या हुआ? 7। और जो रिमेनिंग 8 है वो हमारा क्या हो गया? 1s, है ना। उसके बाद है 79। 79 में 70 तक 10-10 के 7 सेट्स है, तो 7 हमारा 10s हुआ और जो रिमेनिंग 9 है वो क्या हो गया? 1s। अभी देखो 80 में 70 तक हमारे 7 सेट्स हैं, है ना। तो 7 तो हमारा 1s हुआ। अभी रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा? 10। और हमारा एक सेट कितने का होता है? 10 का होता है। तो एक सेट और बन गया ना। 70 तक तो 7 सेट्स और एक 10 का, कितना हो गया? 7 और 1 8। तो हमारा 10s क्या हो गया? 8। और रिमेनिंग फिर कुछ रहा ही नहीं, तो हमारा 1s क्या हो गया? 0। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वंस इन द नंबर्स एंड राइट देम अकॉर्डिंगली इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनमें टेंस एंड वंस को आइडेंटिफाई करना है और उनके स्पेस में फिल करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है? 71। तो 71 में पहले 10-10 के सेट्स काउंट करो, ठीक है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 10 सेट कितने हुए? 10 के कितने सेट हुए? 7 सेट्स हुए। तो कितना हो गया? 7 हमारा हो गया 10s। और उसके बाद 70 में और रिमेनिंग कितना रह गया? 1 रह गया। तो 1 हमारा क्या हो गया? 1s, ठीक है। ऐसे ही 72 में 70 तक कितने सेट्स हुए 10-10 के? 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70 7 सेट्स हो गए और रिमेनिंग कितना रहा? 2। तो 2 हमारा क्या हो गया? 1s, ठीक है। ऐसे ही 73 में 70 तक कितने सेट्स हुए 10-10 के? 7 सेट्स हुए। तो 7 हमारा 10s और रिमेनिंग 3 है वो हमारा 1s। ऐसे ही 74 में 10-10 के कितने सेट्स हुए? 7 सेट्स हुए। तो 7 10s, रिमेनिंग 4 1s। और जो 75 है उसमें भी 70 तक 10-10 के 7 सेट्स हुए, तो 7 10s 5 1s। ऐसे ही 76 में 70 तक 10-10 के 7 सेट्स हुए, 6 हमारा रिमेनिंग, तो 6 1s हो गया, है ना। 78 में 10-10 के कितने सेट्स हुए 70 तक? 7। और रिमेनिंग कितना रहा? 7। 78 में 70 तक कितने सेट्स हुए 10-10 के? 7। तो 7 10s, रिमेनिंग 8 1s। 79 में 70 तक 10-10 के कितने सेट्स हुए? 7 सेट्स हुए। और 9 जो बच गया रिमेनिंग वो हमारा क्या हो गया? 1s, ठीक है।
अभी देखो 80, 80 में हमारा 70 तक 10-10 के सेट्स काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कितने सेट्स हुए, सेट्स हुए हमारे 7, ठीक है। और फिर 70 तक हमारे 7 सेट्स हुए, उसके बाद 70 और के बाद 80 तक कितना रिमेनिंग बचेगा, 10 रिमेनिंग बचेगा, तो 10 का हमारा एक सेट होता है, तो 7 सेट्स वो हुए और एक सेट और हो गया, तो कितना हो गया 7 + 1 = 8, तो 8 हमारा टेंस। अब हमारा रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं, रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि काउंट करो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एट सेट्स हुए, तो 8 तो हमारा क्या हो गया टेंस, और रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा वंस क्या हो गया 0, है ना। आप सभी को अच्छे से अपनी बुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे दिखाना है। थैंक यू।